फाइनली गाइस यहाँ रामलीला हो रही है और हम यहाँ आए हैं, थोड़ा मंदिर का दर्शन हो जाएंगे और थोड़ा ये सो ये हो रही है रामलीला यहाँ कुछ, और यहाँ सारी स्टॉल लगे गरम गरम रहे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है घर से, और अभी मैं जस्ट उठाई हूँ और आज व्लॉग देर में शूट हो रहा है, शाम के 4 बजे से। और अभी मैं हो गया हूँ तैयार दुकान जाने के लिए, और अभी देखते हैं आगे क्या होता है व्लॉग में। और आज से हो गई है रामलीला शुरू, और आज से नवरात्र भी लग गए हैं। नवरात्रि की आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। और अभी मैं निकलता हूँ दुकान के लिए और आपको दिखाता हूँ आगे का सीन। और अभी का मौसम हो रहा है, बाहर थोड़ी धूप आ रही है, और दिखाता हूँ अभी आपको बाहर जाके। सो गाइस निकलते हैं, ये है मेरा बैग और निकलते हैं सीधे दुकान के लिए। सो ये हो रहा आज का गाइस मौसम, और रोज़ की तरह यहाँ दालें सूख रही हैं हमारी आज फिर से। और ये हमारी बाइक, और वहाँ नॉर्मली जो होता है वही है। और अभी हम निकल रहे हैं सीधे दुकान के लिए और बाइक स्टार्ट करते हैं फटाफट। और अभी यार रामलीला भी है, देखता हूँ अगर जाऊँगा तो दिखाऊँगा आपको, नहीं तो वहाँ का सीन। और धूप भी लगी रही है हल्की हल्की। सो गाइस निकलते हैं फटाफट से और दिखाते हैं आगे का सीन क्या क्या होता है आज के दिन में। सो गाइस निकल पड़े हैं, और यह है हमारी घर की रोड। और अभी यहाँ से पहुँचने में मेरे को 15 मिनट लगेंगे, और अभी मौसम भी थोड़ा धूप वाला हो रहा है। सो गाइस ये आ गई है मेन रोड, और हम जा रहे हैं चार धाम मंदिर के रास्ते, देखते हैं क्या क्या वहाँ आज तैयारी हो रही है। और तैयारी तो हो गई होगी सारी, शाम से ही शुरू हुआ तो रामलीला। और ये है आज का कुछ सीन, ये हेमदा की दुकान हमारे। बोरियत है यार, पूरी जिंदगी घर से दुकान, दुकान से घर आने में हो गई है खराब। तो गाइस ये हो गई है तैयारी आज के लिए, और यहाँ अभी सब मैट हेड बिछा रहे हैं। ये है आगे चारधाम मंदिर, ये देखिए गाइस तैयारी तो बहुत हो गई है। अब शाम को दिखेगी लाइटिंग्स वगैरह, तो शाम को अली रास्ते आऊँगा आज। सो गाइस मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में। फाइनली गाइस यहाँ रामलीला हो रही है और हम यहाँ आए हैं, थोड़ा मंदिर के दर्शन हो जाएंगे और थोड़ा ये जलेबी अलेबी लेके चलते हैं घर को। हमारे साथ वाले मोतरू भी मिले हैं हमें, एक ये हम ये देखो जय कौन करेगा बे, जय कौन करेगा, ये देखो मोतरू, जय हो भगवान। यह है चारधाम मंदिर का मंदिर, और यहाँ से नहीं जा सकते हैं क्या, अब जूते पहन के नहीं जाना होगा यार, अब यहाँ से ये सब बंद हो गया यार। सो ये हो रही है रामलीला यहाँ कुछ, और यहाँ सारी स्टॉल लगे हैं। ओ आगे सामने भगवान जी राम जी का लगा है, देखिए गाइस। और आज भीड़ नहीं है कुछ ज़्यादा, क्योंकि आज पहला दिन ही है, वैसा अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, थोड़ी देर में होगा स्टार्ट यहाँ। गरम गरम रेडी हो रही है मल्ले जलेबी। और ये मना रहे हमारे विनोद दा, सो फाइनली गाइस घर पहुंच गया हूँ। अभी नहीं, 10 मिनट पहले पहुंच गया था, वहाँ धो लिया था, कपड़े चेंज करे नहीं, अभी जा रहा हूँ कपड़े चेंज करने। तब तक मैं मूंगफली खा रहा था, ये देखिए
मूंगफली खा रहा था, मूंगफली लेके आया था और जलेबी लेके आया हूँ। और अभी आपको खाना भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, क्या क्या बनाया है आज मम्मी ने। और अभी मैं मूंगफली फोड़ के खा रहा हूँ और जलेबी अंदर ही रख दी मैंने, वो खाने के बाद खाऊंगा। वैसे तो मैं थोड़ा सा ही खाता हूँ, वैसे पूरे फैमिली के लिए लेके आया मैं। और मीठा ज़रा पापा लोग कम ही खाते हैं, शुगर वाले हैं, तो अभी खाना खाने के बाद वो भी खाएंगे और आपको दिखाएंगे अभी खाने में क्या बना है। और आजकल ऐसे घूमना वूमना हो नहीं पाता। और गाइस यहाँ पर देखो, मेरे यहाँ पर पिंपल भी होने लग गया है और ऐसा घूमना हो नहीं पाता है। अब एक दिन की छुट्टी निकालूंगा और अच्छे से घूम घाम के आऊँगा। और आज तो रामलीला का फर्स्ट ही दिन है तो इतनी भीड़ होती नहीं है, दूसरे या तीसरे दिन से जाऊँगा तब आपको दिखाऊँगा ब्लॉग में। और आज मैंने दिखाया आपको थोड़ा बहुत जो जो वहाँ स्टार्ट नहीं हुई थी, जो डेकोरेशन वगैरह हुआ था वो आपको दिखाया, वो आप देखना ब्लॉग में। और अभी पापा लोग मम्मी लोग सब खाना वाना खा रहे हैं और अभी मैं यहाँ दूसरे वाले रूम में बैठा हूँ। और जब मैं खाना खाऊंगा आपको दिखाऊंगा क्या क्या बनाया है आज। सो गाइस तब तक के लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में, तब तक मैं मूँगफली खाता हूँ, ये नवरात्रि की पहली मूँगफली है। सो गाइस मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। सो फाइनली गाइज इट्स टाइम टू ईटिंग माई फूड एट डिनर। और ये दरवाज़ा बंद कर दिया मैंने और हमारा चल रहा है अभी तारक मेहता। और अभी जस्ट ऐड ही आया है, अभी ऐड आपने सुना होगा, ये चल गया है दोबारा तारक मेहता। और मेरा फूड आ गया है, मैंने अपनी प्लेट लगवा ली है जो पहाड़ी स्टाइल में होती है ना प्लेट, वो लगा ली है मैंने अपनी। और अभी आपको दिखाता हूँ क्या क्या खाना बनाया है घर पे जो फ्रेश बनाया है अभी। मम्मी इसलिए शाम को चावल बनाती है क्योंकि मैं सुबह और दिन में रोटी भी खाता हूँ, तो मम्मी कहती है कि थोड़ा सा चावल तेरे लिए शाम को बना देती हूँ। तो अभी फ्रेश चावल बनाया था और थोड़ी दाल बनाई थी, आपको दिखाता हूँ मैं अभी। और मिक्स वेज वगैरह बता तो सभी दिया है मैंने, आपको दिखाता हूँ मैं फटाफट। और आपको आवाज़ आ रही होगी तारक मेहता की, फैन हूँ मैं तारक मेहता का। सो गाइस आपको दिखाता हूँ मैं खाना। और उसके बाद स्वीट डिश थोड़ी सी मिल ले जो मैं आज लेके आया था, जलेबी बची है वो खाएंगे और फैमिली को खिलाई दी थी। सो गाइस अब देखो खाना क्या बनाया है। सो गाइस ये है अचार जो बाजार का है, मैं बाज़ार से कहते लेके आया था इसका। और ये है दाल और ग्रीन दाल और चावल। और ये है मिक्स वेज और ये है सैलेड और ये है दो रोटी लेके आया था मैं।